हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो इस वक्त हम बहुत दिनों बाद एक ऐसे टॉपिक पे जो है बहुत पहले बनाते थे, लेकिन काफ़ी दिनों तक हम अपने पर्सनल वीडियो को लगभग ज़्यादा जो है वरीयता दिए थे, लेकिन अब फिर से मैं उसी टॉपिक पे दोबारा लौट के आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं इस तरीके के वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस तरीके का ब्लॉग है कि डिवोशनल ब्लॉग है। मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे औरतों का जाना प्रतिबंधित है। एक ऐसा क्षेत्र है, अगर किसी को ये जगह आना है तो मैं इसका जो है गूगल मैप का लिंक जो है मैं इसके अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये मैंने वीडियो में भी बनाया, क्योंकि इस वक्त मैं एक दूर हूँ तो उस वीडियो को पहले बना चुका हूँ, तो इसलिए जो है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें पहली चीज़ है कि आप ऐसी जगह क्या जानते हैं सच में, ये भी कमेंट कीजिएगा, क्या सच में जानते हैं कि जो है ऐसी जगह भी है जहाँ औरतों का जाना प्रतिबंधित है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अगर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपको आज ऐसी जगह दिखाएंगे कि जहां औरतों का जाना प्रतिबंधित है। और दूसरी चीज़, क्या आपने ऐसी जगह भी देखी है जहां चुड़ैल की भी पूजा होती है? अगर आप नहीं जानते तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ऐसी जगह जहाँ लोग चुड़ैल की पूजा भी करते हैं, वहाँ पर मन्नतें मानते हैं और वहाँ पर इमरती भी चढ़ाते हैं। इमरती क्योंकि उनको इमरती बताते हैं पसंद थी, इस कारण उस इमरती को चढ़ाते हैं। यह क्लिप बहुत छोटा ही लिया क्योंकि मुझे ये बाद में पता चला कि ये मंदिर चुड़ैल की है। मुझे ये नहीं पता था कि इस तरीके की ये मंदिर है। और ये जो औरतों का जाना प्रतिबंधित, यहाँ पे लगभग हर मंदिरों पे हैं, औरतें जो है चौखट तक ही जाती हैं, वहीं से ही इनका दर्शन पूजा करती हैं। बाकी जो पुरुष होते हैं अंदर जाके प्रवेश करके मंदिर के और वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो पूरा वीडियो हमारे साथ आप बने रहिए। जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा जो है परिवार 1000 में जल्दी से जल्दी तब्दील होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप लोगों की साथ हमेशा जो है हमारे चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ाए और वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखते, आधा अधूरा किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो ज्ञान का जो है कहते हैं पूरी जानकारी आपको नहीं मिल सकती। आधे अधूरे ज्ञान, जैसे अभी तक चल रहा था सपा सरकार की ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान है नहीं। पूरा ज्ञान होता तो आज उनकी सरकार होती, सच में कहा जाए तो। इन जैसे आधे अधूरे ज्ञान वाले टिपुजियों को रख कर इनकी सरकार डूबी है, तो यही कारण है। तो आप किसी भी चीज़ को आधा अधूरा जानकारी न लीजिए, किसी भी जानकारी को पूरा लीजिए। और हाँ, अगर यहाँ पर जाने की अगर आपकी तमन्ना है, इच्छा है, आप चाहते हैं यहाँ पे जाने के लिए, तो हम इसका जो है लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ पर जाइए और हम चाहेंगे दर्शन कीजिए और आप सभी की मन्नतें पूरी हो। ये मंदिर लाला जयसिंह का है और ये जो बगल कुआं मैं दिखा रहा हूँ, कुआं जो है देखें बताते हैं उसी में स्नान करते हैं। और कभी किसी को प्रेत बाधा या कोई भी आप ऊपरी समस्या हुई ना, उसमें कहते हैं जल छिड़क दिया जाए तो जो है वो समस्याओं का निदान। वक्त हम सिकंदराबाद के एक ऐसे मंदिर पे जा रहे हैं जहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित है। ये पीछे से धूप आ रही है इसलिए जो है फेस क्लियर नहीं आ रहा है। तो मैं, मेरी बुआ और छोटा भाई, हम तीनों निकले हुए हैं उस मंदिर के लिए, पैदल ही जा रहे हैं। बुआ भी जा रही हैं साथ में। बुआ मंदिर के बाहर ही खड़ी होंगी, हम लोग अंदर भी जाएंगे, देखते हैं वहाँ कैसा है क्या है, फिर आप सभी को सारा वहाँ का नज़ारा दिखाएँगे। तब तक के लिए हम चलते हैं आगे। जनता की भीड़, यहाँ पे लोगों की भीड़ तैयार बहुत दिखाई दे रही है। यहाँ पे कई मंदिर हैं आसपास में, वैसे भी जहाँ एक मंदिर होती है वहाँ पे कई मंदिर ऑलरेडी हो जाते हैं। यहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत दिखाई दे रही है। चल रहे हैं, बता रहे हैं कि आगे है मेन मंदिर, वहाँ पे चलेंगे, देखेंगे कैसा है। बता रहे हैं ये मंदिर, क्या हुआ, इस पे चढ़ना होगा ना? नहीं नहीं, इस मंदिर में आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, आगे मंदिर है। अरे अब लाला जयसिंह का मंदिर आगे। अच्छा अच्छा, ये तो लौटते ही है, वहां से जब लौटोगे ना तब इसमें पढ़ना है। Over the edge, feel like
I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is set. Mandir ho, market na ho, aisa ho hi nahi sakta. लेकिन यहाँ पे मंदिर अभी भी बता रहे हैं कि दूर है। ये सामने वाली है, ये देखिए सामने वाली मंदिर। वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा क्या खास बात है इस मंदिर में, क्या चीज़ें हैं। लोगों से मिलेंगे, देखेंगे। इस हमारे ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मंदिरों में जा रहा हूँ। अभी तो लगातार बाहर ही बाहर ब्लॉग चल रहा था। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे खास। तो दोस्तों, मेन गेट के सामने लगभग आ चुके हैं हम लोग, और इसका मेन गेट और साइड से मंदिर का पूरा जो है व्यू, ये साइड से व्यू है और ये मेन गेट है। इसका लोकेशन चाहिए तो लोकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोकेशन पा सकते हैं। आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे महिलाएं तो बहुत दिख रही हैं, लेकिन अब सुना हूँ क्या है क्या नहीं। महिलाएं तो जा रही हैं, ये शिव जी का। अच्छा अच्छा, अंदर में भी तो महिलाएं जा रही हैं। अंदर में सिर्फ ऊपर चौकी चौकी तक रहेंगी। अच्छा अच्छा, अंदर नहीं जा सकती, दर्शन नहीं कर सकती है। इस मंदिर में चौकी तक महिलाएं रहेंगी, अंदर नहीं जा सकती दर्शन करने के लिए, अंदर पुरुष ही जाते हैं। और हम चलो देखते हैं। जय हो प्रभु। है? अंदर बता रहे मोबाइल वर्जित है, लेकिन बाहर तो है। तो गेट के बाहर बाहर गेट के बाहर कहते हैं मंदिर में कैमरा वर्जित है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वीडियो ले लिया, लेकिन कोई रोक टोक खास दिखा नहीं। चलो ठीक है, बाहर से लिया हूँ। बहुत ज़्यादा कहीं के रूल को तोड़ना ठीक नहीं होता। जितनी महिलाएं देख रहे हैं, आप मंदिर के बाहर ही खड़ी होकर जो है दर्शन कर रही हैं। अंदर जाना वर्जित है महिलाओं का। कैमरा बता रही हैं, बुआ बताई कि कैमरा अंदर ले जाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई खास रोक टोक नहीं दिखा। लेकिन हो सकता है पहले रहा हो, तो इसलिए किसी के नियम को भंग करना अच्छी बात नहीं होती। मैंने फिर भी तस्वीरें और थोड़ा वीडियो ले लिया हूँ। और मंदिर बड़ी भव्य है भाई, यहाँ दर्शन बिल्कुल करने आइए अगर आना है। मैं यहाँ के देख रहा हूँ, हर संडे को यहाँ पे होता है, हर संडे को। तो ये ध्यान रखना, और यहाँ पे हर जगह जो है ज्योति जलती मिलेगी आपको। इस जगह दूसरा एक मंदिर के अंदर ज्योति कुछ जल रही थी, और यहाँ पे भीड़ की जनसंख्या कम नहीं, क्योंकि बगल ही साइड में महादेव का मंदिर है। साइड में देखिए मंदिर के पास कमेटी के पास है, अगर जिस किसी का बच्चा खो गया है कमेटी से संपर्क करें, लाला जयसिंह के मंदिर के सामने। और किसी भी मजदूरों का बच्चा खो रहा है
मैं पता है हर जगह जो है दीप जलती रहती है, यहाँ पे मधुमक्खियों की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मधुमक्खी तभी डिस्टर्ब किसी को करती, कोई भी जीव तभी डिस्टर्ब करता है जब कोई उसे डिस्टर्ब करता है। तो वैसे भी हमारे धर्म में जीवों का बहुत ज्यादा महत्व है, आप देखे होंगे यहाँ अनोखा संबंध रहता है जीवों में, वो कोई एक दूसरे को समझ से प्रदान नहीं करता। वो हमको लगता है मंदिर के परिसर का जो है चक्कर लगाने गई है, सुमित भी घूम रहा है, कहाँ है बुआ चक्कर लगाने गई क्या, राउंड लेने गई क्या इसका। ये मंदिर लाला जयसिंह का है और ये जो बगल कुआं मैं दिखा रहा हूँ, कुआं जो है देखें बताते हैं उसी में स्नान करते हैं, और कभी किसी को प्रेत बाधा या कोई भी आप ऊपरी समस्या हुई ना उसमें कहते हैं जल छिड़क दिया जाए तो जो है वो समस्याओं का निदान हो जाता है, और वो समस्याएं तो जो है जानते हो जीवन का आधार है, अगर मोह माया में है तो समस्या होती है। ये देखिए ये रहा कुआं, कुआं लगभग 20 फीट होगा गहरा, तो वहां से जल निकालते हैं, हम तो जो है 80 फीट गहरे कुएं से पानी निकाले हुए हैं। हाँ हाँ अपने यहाँ कुआं कितना गहरा है? अपने यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ इतना गहरा नहीं। हाँ तो वही चीज है, कुछ पुरानी कथाएं हैं जिनके चलते जो है ये सारी मान्यताएं हैं, यहाँ पे लोगों का आना जाना लगातार, और संडे के दिन कुछ ज्यादा ही यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है। और हाँ अगर आपको गूगल मैप का लिंक चाहिए तो मैं इस पे जो है डाल दूंगा यहाँ पे आने का जो लिंक है, महिलाएं ना ही आए तो भी ठीक है, क्योंकि जब वो प्रवेश नहीं कर सकते कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए महिलाओं का भी डेरा यहाँ पे लगा रहता है। जरूरी होती है आत्मसंतुष्टि, और उसके बावजूद सनातन हमारा तो महान है ही, उसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये देखिए ये मंदिर है, और कोई भी मंदिर आसानी तरीके से नहीं बनती है, इसको जानते हो काफ़ी सारी विधियाँ लगती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं एक मंदिर को बनाने के लिए। चलो यहाँ पे भी दर्शन कर देखते हैं, देखो काफ़ी लोग जा रहे हैं, बुआ भी हमारी साइड में, छोटा भाई भी, मम्मी महादेव माता पार्वती माँ जानकी का, जानकी नहीं माता पार्वती, महादेव माता पार्वती का जो है मंदिर है। तो हम लोग आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि दो दर्शन हो चुके हैं, इधर माँ पार्वती के उधर जो बताया गया पहले वीडियो में, और इसका लोकेशन मैं दे दूँगा, और हम आगे निकल चुके हैं, आगे जा रहे हैं, और देखिए इतनी आ रही है जा रही है। तो यहाँ पे ऐसे ही लोग जुटे रहते हैं, और संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है, संडे का मान्यता यहाँ पे ज़्यादा है, कहते हैं यहाँ पे मान्यताएं पूरी होती हैं, लोग आते हैं पूरी होती है, होली के समय, होली के समय मान्यता ज़्यादा है, कहते हैं कि हाँ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन दोबारा फिर आना पड़ता है पूरी होने के बाद।
चलो जो भी इच्छा मांगो जरूर आना। जो टेंपल दूर से दिखा रहे थे हम नजदीक आ चुके हैं। कहाँ गया? तो भाई यहाँ पे भी महिलाओं का आना वर्जित है, पुरुष यहाँ पे भी आते हैं और हर जगह आप देखेंगे दीपक जल। बाबा सोते हैं, अब यहाँ पे बाबा सोते थे, अब वहाँ चल रहे हैं। चलो देखते हैं बाबा कहाँ सोते थे। हर एक स्थान को जो है पावन स्थान बना दिया जाता है। देखते हैं, देखिए सभी भक्तजनों का अचाता मंदिर पुरुष जाएंगे लेकिन लेडीज ने आज फाटक ही बंद कर रखा है पूरा, भीड़ के चलते। भीड़ के चलते नहीं तो अंदर जाते थे कलंग वलंग करके भीड़ चलते। अंदर का वीडियो नहीं आ पाए क्योंकि अंदर में महिलाओं का जाना तो वर्जित है, लेकिन इस वक्त पुरुषों का भी क्योंकि भीड़ ज्यादा है इस कारण हमको लगता है फाटक बाहर से बंद कर दिया गया है। हाँ चलते हैं देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अब तो बाहर से प्रसाद चढ़ा दिया गया है, अंदर बताते हैं पलंग उलंग लगाई गई है बाबा की। प्रसाद हर जगह छोटी छोटी चौकी बना के मंदिर बना दिया गया है, हर जगह मुझे चौकी ही दिख रही है। चलो देखते हैं यहाँ पे भी चौकी है, देखिए चलो चौकी बनी हुई है। हो गया चलो 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 अभी भी है। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जय श्री राम, राम राम।
इधर भी चौकी है। चल भाई। अच्छा हर जगह चौकी है ना, सिर्फ चौकी है, सिर्फ चौकी है। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, हर जगह एक चौकी। तो दोस्तों मूर्ति तो सिर्फ जो है मूर्त भगवान की, सिर्फ महादेव की जो है शिवलिंग था और भगवान शिव और माँ पार्वती का जो है मूर्ति भी थी उसमें वहाँ मंदिर पे, और हर जगह मुझे चौकी ही दिखी। शिव के पूरे परिवार थे, महादेव के, महादेव का पूरा परिवार था और हर जगह चौकी। बुआ पीछे पीछे आराम से आ रही, देखिए टन 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 करते हुए। और ये हम लोग गुजर रहे हैं, बस यही खत्म ना। अच्छा अभी आगे भी है एक मंदिर, भूल ही गया, ये मंदिर जो सामने पहले आते वक्त जो है रास्ते में पड़ा था वो मंदिर है। आपके निगरानी में है। चलो पे बाबा की मूर्ति लगी हुई है, देखिए यहाँ पे भी चौकी है, यहाँ पे भी सब चढ़ा रहे हैं, तो हम भी चढ़ा देते हैं। फटती है ऊपर से कह रहे हैं काटेगी नहीं, काटी ली तो देखो प्रसाद बांट रहा है इसमें, बांट दो बांट दो। तो दोस्तों पूरा वीडियो देख ही चुके हैं, वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ पे आने का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप गूगल मैप के द्वारा यहाँ पे आ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, जय हिंद।